राजभर को झटका देने वाला आ गया, 12 साल की उम्र में ही कर रहा कमाल। घोसी में बड़े नेताओं को लोग नहीं सुन रहे, जितना ज्यादा एक बच्चे का भाषण मजा देता है। छोटी उम्र में ही राजभर से लिया पंगा, राजभर इससे बड़ा सदमा नहीं खाए होंगे। ओपी राजभर के उल जुलूल बयानबाजी का माकूल जवाब देने वाला शख्स आ गया। राजभर को चुनौती और जवाब देने वाला शख्स नहीं बल्कि बच्चा है। इस पूरी रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा, मऊ की घोसी उपचुनाव में भले ही बड़े से बड़े नेता दमखम दिखा रहे हों, लेकिन सपा का एक ऐसा नेता है जिसकी उम्र तो 12 साल है लेकिन बीजेपी में भगदड़ मचा रखी है। घोसी में उतनी टीआरपी किसी नेता की नहीं होगी जितनी 12 साल की लड़की की टीआरपी है। सियासी समीकरण में माहौल बनाने वाला ये लड़का इस तरह से सुर्खियों में छाया है कि जिसकी चर्चा चारों ओर है। घोसी के जन जन में इस लड़के का खुमार है कि इसका भाषण सुन लिया जाए। 12 साल की उम्र में जिस तरह से बीजेपी नेताओं का बाजा बजा रहा है, लोग अपनी तालियों को रोक नहीं पाते। तालियों की गड़गड़ाहट इसके भाषण में रुकती ही नहीं, बड़ी रैलियों में एक बार तालियां रुक भी जाती हैं, लेकिन जब ये लड़का बोलना शुरू करता है तो बीजेपी नेताओं की खिंचाई करने से पीछे नहीं हटता। किस तरह जनता को समझाना है और किस स्टाइल में जन के बीच अपनी बात रखनी है, ये दोनों बातें इसे बेहद अच्छे तरीके से आती हैं। यही वजह है कि जो भी इस लड़के को सुनता है सुनता ही रह जाता है। इस लड़के की तोतली जुबान घोसी की राजनीति में गजब का तड़का लगा रही है। घोसी में कदम ताल कर रहे सत्ता और विपक्ष के बड़े बड़े सूरमाओं से ज्यादा टीआरपी उससे मिल रही है और उसकी बातों को लोग खूब सुन रहे हैं और वीडियो वायरल है। 12 साल का नवरत्न यादव अपने को सच्चा समाजवादी बताता है। घोसी उपचुनाव के महासमर में सिर पर अखिलेश यादव की फोटो लगी टोपी और गले में गमछा लटकाकर घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जमकर प्रचार कर रहा है, संबोधित कर रहा है, चौपाल कर रहा है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए वोट मांग रहा है। दारा सिंह चौहान द्वारा सपा को दिया गया धोखा जनता को बता रहा है और ओपी राजभर की बयानबाजी पर जमकर कटाक्ष कर रहा है। नवरत्न बिल्कुल लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की तरह सधी आवाज में सपा का प्रचार कर रहा है। अखिलेश यादव को भैया और शिवपाल यादव को चाचा कहकर संबोधित कर रहा है और सुधाकर सिंह को अपना बाबा बताकर वोट मांग रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर को सीधा टारगेट पर ले रहा है। राजभर को इस तरह से धो रहा है सपा के बड़े नेता तक नहीं धो पाए होंगे। नवरत्न कहता है, ओपी राजभर हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। बार बार राजभर के द्वारा पहले से की गई प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर दिए गए अभद्र टिप्पणी को जनता को याद दिलाता है और उनके हर बयानबाजी को अपने स्तर पर जवाब दे रहा है। ओपी राजभर को अपनी हर बात से अपने विरोधी शब्दों का शिकार बना रहा है। मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर को खुला चैलेंज दे रहा है, उनमें दम है तो बाजी लगा लें, उनका प्रत्याशी हारेगा और जनता के आशीर्वाद से सुधाकर बाबा की जीत होगी। महाराजगंज जिले के मदनी फुलवरिया फरेंदा क्षेत्र का रहने वाला है। चर्चा में तब आया जब सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। ये खबर सुनते ही वो अंतिम दर्शन को चल दिया। रास्ते में पकड़ा गया तो खबर अखिलेश यादव को लगी और फिर सैफाई पहुंचा था।